मटर, टमाटर। मंडी रोज बताती है आज। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने अभी अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड मैंने यहाँ पे रख दिया है अपना पानी गुनगुना करने के लिए, क्योंकि ना पानी पीना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमें सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, उसके बाद ही हमें चाय वगैरह जो भी है वो लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जब तक मैं पानी पी रही हूँ तब तक मेरी यहाँ पे चाय भी बन जाएगी, और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ आराम से बैठ के पी रही हूँ पानी, और तब तक मेरी यहाँ पे चाय बन चुकी है। और यहाँ पे मैं अपनी चाय को छान लूँगी, और अब रख दिया है मैंने दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि ना एक के बाद एक तो काम बैक टू बैक करते जाओ तो सही रहता है। चाय बनने के बाद मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए, और यहाँ मैं अपने बेटे को चाय देने के लिए जा रही हूँ। और देखो यहाँ पे जब तक चाय वगैरह मैं दे के आई हूँ या मैंने पी है, जब तक मेरा नहीं, मैंने अभी चाय नहीं पी, वह दे के आई, थोड़ा ही दूध था तो हाल बॉयल हो गया वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिए चने बॉयल करने के लिए, और चाय वगैरह पी के मैंने यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह दोनों तीनों रूमों की सही कर लिए, क्योंकि ना सुबह उठ के वो तो करना ही पड़ता है, सारी बेडशीट वगैरह सही कर लिए। और तब तक आ गए थे मेरे हस्बैंड, और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी चाय बना दी है। मेरे हस्बैंड को यहाँ कटोरी लगती है, क्योंकि बिना कटोरी की चाय नहीं पीते। और यहाँ पे चाय देने के बाद मैंने यहाँ लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि सुबह सुबह तो ये सब काम करने ही है। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा, मैंने पूजा भी कर ली है भगवान जी की। ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे भोले बाबा, ये मेरी संतोषी माता, बस ये सब है यहाँ पे। और पूजा वगैरह करने के बाद फ्रेंड मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, मैं सोचा चलो छत पे कपड़े भी डाल आते हैं, क्योंकि ना मैं ना पूजा करने के बाद ही ज़्यादातर कपड़े डालती हूँ, सीधे नहाने के बाद तो मैं सीधे पूजा करने में लग जाती हूँ, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़े, और मैं बस जल्दी जल्दी काम में लगी हूँ, क्योंकि ना मुझे कहीं पे जाना भी था पर ऐसा हुआ कि मैं जा नहीं पाई, और वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो गाइस यहाँ पे धुल गए मेरे सारे कपड़े, मैंने सारे कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं छत पर। कपड़े धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ पीछे। मुझे ना अभी कहीं जाना था, और मैं सुबह से जल्दी जल्दी अपना काम कर रही, मैंने सारे काम निपटा लिए अभी सुबह सुबह, और मैंने जल्दी नहा भी लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना था अपने हस्बैंड के साथ में। और अचानक से मेरा छोटा बेटा कॉलेज जाने लगा, तो फिर मैं रह गई, वो भी निकल गए, तो मैंने सोचा चलो फिर कभी चली जाऊँगी, अब नहीं जा रही हूँ मैं, तो वो चले गए तो मैं नहीं गई हूँ, और फिर जहाँ जाना है वहाँ मैं एक दो दिन बाद चली जाऊँगी, फिर चली जाऊँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा। और वैसे मैं आज ही जा रही थी, पर चलो कोई बात नहीं, काम आ जाती है अचानक में, तो बस ये ऑलवेज काम मेरा सब कुछ हो चुका है, बस बस थोड़ा बहुत ही काम है। मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते में समोसे जलेबी वगैरह ये ले आए थे, तो मेरे बच्चे ने खा लिया, अभी मेरे रखे हुए तो मैं अभी वो खाऊंगी, तो बस यही है। तो चलो जो भी है वो आगे आपसे मैं शेयर करूँगी, और मैंने ब्लॉग स्टार्ट इसीलिए करा था, चलो मैं आज जा रही हूँ कहीं पे, तो वहाँ का मैं शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, पर ये मैं नहीं जा पाई, चलो कोई बात नहीं है, नहीं जा पाए तो नेक्स्ट टाइम। ये समोसे वगैरह मैं खा लेती हूँ, और क्योंकि टाइम भी हो चुका है, नाश्ता मैंने आया तो बहुत टाइम का है, पर मैंने सोचा चलो पूजा वगैरह करने के बाद ही मैं खाऊंगी, तो इसलिए मेरी पूजा हो चुकी है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ, तो चलो अब मैं खा लेती हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पे आ गया है मेरा दूध, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने दूध को गर्म कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं दूध को छानने लगी हूँ, अच्छे से यहाँ पे छान लूँगी, और बड़ी बोतल थी तो बस यहाँ पे मैं दूध को छान रही हूँ,
क्योंकि ना सुबह सुबह काम ही इतने होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, बस जल्दी 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 करते जाओ। उसके बाद यहाँ आ गए थे सब्जी वाले बाबा। ये तो आज महंगी है, मंडी है रोज के भाव। एक किलो दे दो। मंडी रोज बताती है, आज इतने का बता तो कोई ज्यादा बता क्या। आओ दे दो बाबा, आधी किलो दे दो। पहली मटर है सीजन की। मटर का है मलाई है जो 5 रुपया घाटा में दे रहा हूँ मैं, तुम सही बता। अच्छा आओ 5 रुपया घाटा में लूटो खाओ ना मेरा देखा थी। अच्छी दी बाबा, पिचकी पिचकी मत दे ना। पिचकी को ही नहीं है, पिचकी को ही नहीं है। सब्जी वाला आ गया तो मैंने सब्जी ले ली है यहाँ पे, और उस पर मटर भी थी तो मैंने कि चलो मटर ले लेते, क्योंकि अभी एक भी बार मटर ऐसी सच बताऊँ सीजन की पहली मटर है। अभी मटर एक ही बार ली नहीं है हम लोगों ने, अब ले लिए। चलो उसकी ठेला पे मुझे दिख गई तो मैंने ले ली। चलो मैं उसे पैसे दिख के आती हूँ। जरा सी सब्जी लो 60-70 रुपये हो जाते, कुछ नहीं लिया है मैंने। मटर मटर और आलू लिए है, ये 60 रुपये के है। एक किलो आलू है, आधी किलो मटर है, 60 रुपये के हो गए। कुछ नहीं लो तो भी। और टमाटर हरी मिर्ची तो ये मेरे हस्बैंड सुबह ले आए थे तो ये रखी हुई है, तो ये मैंने नहीं लिए। चलो मैं बाबा को पैसे दे के आती हूँ। लो बाबा लो सारे ले लो 60 रुपये। तो फ्रेंड देखो घर में मेरा पोछा वगैरह सब कुछ लगा है, पूरा घर साफ सुथरा डला हुआ है, क्योंकि ना पोछा वगैरह साफ सफाई हो जाती है घर में तो बिल्कुल क्लीन घर रहता है एकदम अच्छा। ये देखो आप, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा घर मेरा साफ सुथरा है। बस ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जरूर ये बच्चे वगैरह फैला देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, कहीं कुछ निकालते हैं, वैसे तो सारी चीज़ें जगह पे ही है। और यहाँ दूध हो गया, दूध मैंने दो होनी में कर लिया था क्योंकि वो फुल भरा हुआ था तो मुझे डर लग रहा था कहीं वो उफर नहीं जाए, इसीलिए मैंने दो बर्तन में कर लिया है, दो भगोनियों में कर लिया। अब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, पहले ये कर ला। आज मुझे दही भी जमाना है तो मैंने इस वाले दूध का दही जमा लूँगी। और अब ये रख दिया दूसरी भगोनी। और मुझे तो हल्की हल्की सर्दी सी लगी है तो मैंने ये सॉल डाल लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है मुझे। और सर्दी का मौसम तो आ गया है, अब सर्दियाँ तो लगने लगी है। और मैंने यहाँ पे कंबल वगैरह भी निकाल लिए हैं, ये मैंने अपने छोटे बेटे के लिए निकाल लिया है, ये सिंगल बेड का कंबल है ये वाला। और ये निकाल लिया, ये मैंने हमने अपने लिए निकाल लिया है, ये डबल बेड का है। और ये मैंने कल ही निकाले थे, ये कि सर्दियाँ आ गई है तो कंबल वगैरह निकाल लिए। और काम तो ऑलवेज आपको पता ही, सब कुछ मेरा हो गया आज, ऐसा मुझे कुछ काम करना नहीं है। पर मुझे नाश्ता करके मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे लगने लगी है भूख, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए थोड़े से नमकीन चावल बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ। और मटर भी मैंने ले लिए, इसी चक्कर में मैंने मटर लिए कि थोड़ी चलो पुलाव में मटर डाल देंगे, तो बस मैं यही सोच रही चलो मैं बनाती हूँ पुलाव, क्योंकि भूख लगने लगी है टाइम। और एकदम गर्मी से सब लोग चले गए, मेरी दोरानी भी चली गई और गाँव चली गई है, वो बोली अब यहाँ पे रहेंगे तो काफ़ी टाइम होगा, तो भी उसे थोड़े थोड़े से 15 दिन हो गए थे तो वो भी अब गांव चली गई है। और मेरा बड़ा बेटा भी ड्यूटी पे चला गया है तो घर एकदम सूना सूना सा हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग चले गए, मेरा बच्चा भी चला गया है, बेटा चला गया, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सूना सूना सा घर हो गया है अब क्या। और क्योंकि इतने दिन से सभी लोग थे, मेरी दोरानी भी थी, उसका बच्चा और मेरा बड़ा बेटा, तो सब लोग थे तो घर में बहुत चहल पहल हो रही थी। अब सब लोग चले गए तो बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है, पर क्या है कि भाई सबको जाना है, अब मेरे बेटे को भी जाना है, उसकी ड्यूटी है, तो भी उसकी छुट्टियों को काफ़ी टाइम हो गया था, उसके सर का कॉल भी आ रहा था कि आए नहीं आए नहीं, तो बोला उसने बोल दिया था मेरा छोटा भाई ऐसे बीमार है सर, मैं आ रहा हूँ 2-4 दिन में, तो भी ये कि अब कब तक रहना, जाना ही था उसे, तो वो भी चला गया है। ठीक है अब क्या कर सकते हैं जो भी है। तो चलो फ्रेंड अभी दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं मटर वगैरह थोड़ी छील लेती हूँ और अपने पुलाव की तैयारी करती हूँ। चलो ये इसमें एक जो अमरूद है, पहले मैं इसको ही खा लेती हूँ काट के। बस यहाँ कर लिया है मैंने अमरूद कट,
और बस मैं इनको खा लेती हूँ। यहाँ पे ले लिए हमने चावल और आलू कट कर लिए, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक। और यह हमने इंडक्शन चालू कर लिया और कुकर रख दिया है, इसमें डाल देंगे हम ऑयल। उसके बाद ले लिए हैं जीरा, काली मिर्च और लौंग। और यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें डाल दें इसे। तो गाइस अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, हरी मिर्ची, अदरक। पर इन सबको इसमें अच्छे से डालने के बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे और बस थोड़ी देर इसे भूनते रहना है और थोड़े से फ्राई हो जाए। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है शिमला मिर्च, और मैंने यहाँ पर डाल दी शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च को भी अच्छे से हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ टमाटर, वो आलू और मटर को अच्छे से वॉश करने के बाद इसी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने मटर, आलू और मटर इनको भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इन्हें मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड इसमें अब हम डाल देंगे हमारे मसाले। तो इसमें डाल दिए मैंने एक चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च और दो चम्मच धनिया पाउडर। चम्मच हमारी वही है जो मसालदानी में रहती है। और फ्रेंड यहाँ मैंने कर दिया है एक चौथाई हिस्सा गरम मसाला, थोड़ा सा ही डाला है मैंने क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं। और यहाँ कर दिए टमाटर एक। और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद फिर लास्ट में हमें यहाँ पे कर देना है अपने चावल एड। तो यहाँ पे मैंने चावल भी डाल दिए और चावल डालने के बाद इसमें कर दिया है नमक, नमक भी मिला दिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पे नमक वगैरह डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद दो मिनट भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी। पानी आप अपने अंदाजे के हिसाब से डाल दें और मैं अंदाजे से ही डालती हूँ। और ऐसे ग्लास वगैरह से मैं नहीं नापती, मैं अपने अंदाजे से ही डालती हूँ। और यहाँ पे सीटी लगने के बाद यहाँ पे हमारे चावल बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। और देखिए आप एकदम खिले हुए चावल पुलाव बने हुए, बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत टेस्टी बने थे। क्योंकि जब मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जब मैं ये चावल पुलाव खा चुकी हूँ, बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने लिए परस रही हूँ, सर्व कर रही हूँ मैं अपने लिए। तो बस आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में गर्मा गर्म पुलाव, और बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो देखिए आप। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने पुलाव खा लेती हूँ और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, मेरी वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे, बाय।